हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर स्टडिंग वेल। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बाय एंड परचेस। देखो, मेरा जो थीम रहता है, मेरा जो मोटो जो है, मेरा गोल है, एम है, वो रहता है जो उस वर्ड या किसी वर्ड को अगर एक्सप्लेन करते हैं तो उसके तह में जाए, क्या रीज़न है, का है। देखिए, कुछ भी कोई भी वर्ड बनता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य छिपा रहता है, ठीक है। कुछ न कुछ ऐसे ही कोई PhD नहीं कर लेता है, ठीक है। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, कोई भी अगर वर्ड अगर फिलोसफी जो उठाता है, मैं भी MA कर रहा हूँ। अगर मेरा ये जो मेरा चैप्टर मेरा इंग्लिश है, जो मेरा रिसर्च का पार्ट बन चुका है, ठीक है, मैं स्टडी से अब ऊपर बढ़ चुका हूँ, मेरा रिसर्च का चैप्टर है, इसलिए आप को इतनी गहराई नॉलेज मिल रही है क्योंकि मेरा रिसर्च का चैप्टर है। मैं समझता हूँ किसी वर्ड के पीछे का रीज़न, ठीक है, तो वही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जो होता है, PhD जो करता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी वैसे ही नहीं कोई झाड़ सकता है, गाँव में कहते हैं फिलोसफी झाड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखिए, बाय है, क्या कहते हैं, बाय है एंड परचेस है, परचेस भी बोल सकते हो, लेकिन परचेस बोलते, क्या बोलते, परचेस एंड बाय, ठीक है। देखिए, इसका भी मतलब होता है एक्वायर, ACQIRE, एक्वायर, इसका भी मतलब होता है एक्वायर। एक्वायर का आप जानते हैं, जैसे सरकार अगर जमीन लेती है एयरपोर्ट बनाने के लिए, पटरी बिछाने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए, तो एक्वायर करता है। अधिग्रहण मतलब ले लेना होता है, खरीद लेना भी होता है, ठीक है। अधिग्रहण, एक्वायरिंग यानी लेना, खरीदना दोनों का हिंदी होता है, खरीदना, एक्वायरिंग, अधिग्रहण करना, दैट्स इट, क्लियर हिंदी। इसका जो फिलोसॉफिकल टर्म होता है विद प्लानिंग, बाय जो होता है विदाउट प्लानिंग, सॉरी, बाय जो होता है विदाउट प्लानिंग, और परचेस जो होता है विद प्लानिंग। और प्लानिंग क्या होता है, व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग इज दैट If I plan to purchase something, if I plan to do something, I have to make, I have to acquire some information about that, ठीक है। So plan हम करते हैं, कैसे वो plan execute करें, ऐसे से जाकर, मान के चलो मुझे दिल्ली जानी है, अगर मुझे पैदल ही जानी, ट्रेन से छोड़ दो, पैदल ही जानी है, तो पहले मैं सीतामढ़ी जाऊंगा, उसके बाद मैं मुजफ्फरपुर जाऊंगा, हो सकता है पटना जाऊंगा, उसके बाद ऐसे प्लान करके जाऊंगा, प्लान बनाऊंगा, तो प्लानिंग ये होता है, ठीक है। तो विदाउट प्लानिंग, जो बाय यूज कहाँ करते हैं, विदाउट प्लानिंग, और विद होता है प्लानिंग। डजंट मैटर, आप अगर मान के चलो दूध खरीदने जाते हो, दूध अगर खरीदते हो, तो क्या तुम प्लान करके दूध खरीदते हो, जो दो दिन, तीन दिन, पांच दिन, दस दिन, एक साल सोचा मैं दूध अगले साल खरीदूंगा, दूध खरीदूंगा, क्या प्लानिंग है वो, नहीं यार, रैंडम होता है, ठीक है। कोई गुटखा खाता है, क्या गुटखा प्लान करके खाता है, क्या पान खाता है प्लान करके खाता है, नहीं। और मान के चलो मैं ट्रक खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम एक दिन में ट्रक खरीद लोगे, डजंट मैटर, आपके पास बहुत पैसा है, फिर भी नहीं खरीद पाओगे, ठीक है। तो प्लान के साथ होता है, ऐसा होता है प्लान। मोबाइल खरीदना एक दिन में नहीं खरीद सकते, कुछ ना कुछ इधर से उधर करना ही पड़ेगा, ठीक है, प्लान करना पड़ेगा, विदाउट प्लानिंग नथिंग होता है, क्या होता है, विदाउट प्लानिंग है स्मॉल आर्टिकल, अब छोटा सा वस्तु, स्मॉल आर्टिकल, आर्टिकल मतलब वस्तु, छोटा सा स्मॉल आर्टिकल को लेने के लिए हम बाय यूज करते हैं, बिग आर्टिकल्स को लेने के लिए, आर्टिकल को लेने के लिए हम परचेस यूज करते हैं। मान के चलो मुझे एरोप्लेन खरीदना, क्या एरोप्लेन हम एक दिन में जाके खरीद लेंगे, नहीं यार, उसके लिए बहुत सारा। अगर मान के चलो गन खरीदना चाहे, गन तो छोटा चीज है, क्या गन बाय होता है कि परचेस होता है, बाय होता है कि परचेस होता है, परचेस होता है, ठीक है, क्योंकि गन को आप वैसे ही नहीं रख सकते हो, वो इलीगल हो जाता है, इलीगली रख लेते हो उसके लिए कोई दिक्कत ना है, उसके लिए लाइसेंस लेनी पड़ती है, उसके लिए हर चीज बनाना, परमिट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो बाय और परचेस में आपको फर्क पता चल गया होगा, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मैं ये फिलोसफी झार रहा था ताकि आपको समझ में आए, फिलोसफिकल एक चैप्टर है, ठीक है। कोई भी वर्ड बनता वैसे नहीं बन जाता, कहता हाँ भाई हाँ बन गया, नहीं यार, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, फिलोसफी होता है, ठीक है। आई बाय मिल्क, एक सेंटेंस ये है, आई परचेस मिल्क, मैं पहले बता चुका हूँ, क्या मिल्क मैं खरीदा,
मिल्क का प्लान करके खरीदूंगा, एक साल प्लान करूंगा, 2 साल ईएमआई पे लूंगा मिल्क। नहीं यार ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। ये गलत है कि सही है? कौन गलत है? ये गलत है, ये सही है। क्यों? क्योंकि मैं दूध खरीदने के लिए कोई प्लान नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ भैंस खरीदने के लिए प्लान हो सकता है, गाय खरीदने के लिए प्लान हो सकता है, ऊंट खरीदने के लिए प्लान हो सकता है, लेकिन दूध खरीदने के लिए प्लान थोड़ी बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ परचेस नहीं यूज कर सकते, ठीक है। आगे चलिए, आई बाय अ ट्रक। देखिए बाय और परचेस हम इसलिए बोला हूँ, लिखा हूँ, क्योंकि बाय का थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म बॉट हो जाता है, बाय बॉट बॉट, इसलिए कहीं कंफ्यूजन हो जाए इसलिए मैं बाय बाय ही रहने दिया हूँ, ठीक है। मैं लिख सकता था वर्तमान में, ठीक है, जब भूत में लिख सकता था, वर्तमान में ही लिखा ताकि बाय ही रहेगा, इसका मेन फॉर्म ही रह जाएगा, आगे फॉर्म ना बढ़े, इसलिए मैं कर रहा हूँ। परचेस्ट भी हो जाते हैं, यहाँ बॉट हो जाता है, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। आई बाय अ ट्रक या आई परचेस अ ट्रक, ठीक है, अब भूत में ही बना लो, बॉट होता, ठीक है। तो आई बाय अ ट्रक, क्या ट्रक आप एक दिन में खरीद लोगे, एक मिनट में ले आओगे अपने घर पे? नहीं यार, परचेस लगेगा, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते हो, ये कर सकते हो, क्योंकि ट्रक खरीदने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, ईएमआई हो सकता है भरना पड़ेगा, हो सकता है आप पैसे वाले हो तब खरीद लो, लेकिन प्लान भी तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता है। तो आप मुख्यतः अगर ध्यान करने की कोशिश करोगे बाइक कहाँ लगाए, परचेस कहाँ लगाए, तो सिंपल सा फंडा है। देखिए परचेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ड से लेटर्स है, इसमें 3 लेटर है, 3 ही लेटर है, तो छोटा सा सामान जो सोचा नहीं जाता, छोटा सा सामान खरीदने के लिए बाय यूज कर लेंगे, हैं। और जो बड़ा सामान है, ट्रक बड़ा है बहुत, और इसमें आर्टिकल है तो उसमें बड़ा वाला लगा देंगे, एरोप्लेन खरीदना है बड़ा है तो परचेस लगा देंगे, बाय हटा देंगे। मिल्क इतना बड़ा होता है, मोबाइल इतना बड़ा होता है, ठीक है। मोबाइल खरीदने के लिए वैसे मोबाइल लिख सकते हो, देखो स्पीकिंग के लिए आप दोनों कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हो स्पीकिंग के लिए, यही तो कारण होता है स्पीकिंग इतना फ्लुएंसी बढ़ जाता है। आप दोनों जानो, अगर इसमें लटके फट से ये बोल दो, ये भी लटके ये बोल दो, क्या दिक्कत है, कहीं से भी बोल दो, ठीक है। एक्वायरिंग आप कहीं भी यूज कर सकते हो, बाय और परचेस में कंफ्यूजन हो तो बाय की जगह ये यूज कर दो, इसके जगह ये यूज कर दो, डजंट मैटर, लेकिन आप हो जाओगे प्रोफेशनल हो जाओगे तो आपको इसमें क्लियरिटी लाना पड़ेगा। सो होप you have understood well. If you like this video, like, share and subscribe. If you want more like this, then comment me. I will make more. Thank you.